अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सचिन मित्तल 2 दिन अलवर में रुके, यहां एसपी ऑफिस थानों का निरीक्षण किया। इसके बाद गुरुवार को पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें एडीजी ने माना कि अलवर भरतपुर में सबसे अधिक अपराध हैं, अपराध में भी साइबर क्राइम सबसे अधिक है। इतना भी साफ किया कि मेवात क्षेत्र में पहले जो टटलूबाज थे वो साइबर क्राइम को जान गए, अब साइबर ठगी करते हैं। तभी तो अलवर जिले की पुलिस ने हाल ही में 18,000 संदिग्ध सिम नंबर ब्लॉक कराए। वहीं भरतपुर में पिछले साल 58,000 सिम नंबर ब्लॉक कराए थे। उन्होंने कहा कि साइबर ठगों के आसपास छोटे छोटे गांव में आउटसोर्स के जरिए एटीएम तक खुल गए हैं, जिससे ठगों को रकम निकालने में आसानी हो गई। साइबर अपराध को रोकने के लिए अब पब्लिक को अवेयर बनाने की जरूरत है। आमजन को समझना होगा कि अनावश्यक कॉल के झांसे में नहीं आए, कोई किसी भी तरह से लालच देकर जानकारी मांगे तो नहीं दे। ऐसा सब समझ जाएंगे तो साइबर अपराध काफी कम हो जाएगा। अलवर जिले में पुलिस ने कई बार बड़े अपराधी पकड़े हैं, जिनमें 100 से 200 सिम व अन्य सामग्री मिली है। उनके जरिए कई अन्य ठगों को गिरफ्त में लिया गया है। पुलिस भरसकर प्रयास करती है। अब साइबर थाना भी अलग से खोला गया है। थाने में धीरे धीरे तकनीकी साधन व नफरी भी बढ़ाई जाने लगी है, जिससे आमजन को रिलीफ मिल सके। अलवर एसपी के जरिए साइबर अपराध को रोकने के लिए टोल फ्री नंबर तक है, जिससे आमजन को काफी रिलीफ मिली भी है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम को लेकर प्लानिंग करने की जरूरत है। कुछ पुलिस मुख्यालय के स्तर के हैं तो कुछ सरकार के स्तर के प्रयास किए जाने हैं, उस आधार पर आगे का काम किया जाएगा। जाब्ते की कमी रहती है, नए लोग भी आ रहे हैं फिर भी कमी है, यह एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। वैसे यह सही है कि कम जाब्ता होने से असर पड़ता है। 2 दिन तक पुलिस कर्मियों के कामकाज को लेकर जांच की गई, आवश्यक सुधार पर चर्चा हुई है, जिससे पुलिस को काम करने में सहूलियत मिल सके, उनके अलाउंस आसानी से मिल सके। इस दौरान एसपी आनंद शर्मा, एएसपी सरिता सिंह सहित पुलिस अधिकारी मौजूद थे। डीजीपी के ब्याज पे तो आज और कल हमने कल जो है थाने और चौकियों की विजिट करी, एसपी ऑफिस की। आज पुलिस लाइन का परेड निरीक्षण और संपर्क सभा और फिर ये क्राइम मीटिंग ली। तो इंस्पेक्शन का उद्देश्य ये है कि जो पुलिस ने नॉर्म्स दे रखे हैं उसके हिसाब से जिले में काम हो रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, फील्ड में जो अफसर्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फिर हम पीएचक्यू में अवगत कराएंगे और उसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। मोटा मोटा तो ये उद्देश्य होता है। 2 दिन के दौरान क्या समस्याएं आपके सामने आई? एक तो समस्या में आई कि कई जगह हमने ये पाया कि सरकार ने जो कई स्कीम्स बना रखी हैं पुलिस के लिए, जैसे इन्वेस्टिगेशन का अलाउंस है और आईओएस को जो मोटरसाइकिल का अलाउंस है, वो यहां पर प्रॉपर नहीं उठाया जा रहा है। तो एसपी साहब को भी मैंने कहा कि भाई जो सरकार ने दिया है वो अलाउंस उठाए ताकि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनको फाइनेंशियली बेनिफिट हो। तो एसपी साहब ने भी फिर उसके मन में यह तय किया कि जो उसको उठाने का तरीका है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि उसमें वो लिखा पढ़ी जितनी है उससे कम करें ताकि वो आराम से उठा।